आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का यूनिट 4 जिसका नाम वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी है, इसके सभी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करवाऊंगा। और इसके अलावा मैंने इस चैप्टर के सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी सोल्व किए हुए हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं। अब हम इस चैप्टर के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंटरनेट इज ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरनेट को हम दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भी कहते हैं। क्वेश्चन देखें, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, तो इसका आंसर है डायलअप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन, तो इसका आंसर है ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश नेटवर्क्स कैन बी यूज्ड फॉर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस एट हॉटस्पॉट सच एज रेस्टोरेंट्स कॉफी शॉप एक्सेट्रा, तो इसका आंसर है वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होगी। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, तो इसका आंसर भी TCP/IP होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन, तो इसका आंसर है सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब, तो इसका आंसर है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट यानी कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर है टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन डैश अपीयरिंग ऑन ए वेब पेज ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड, वेब पेज के ऊपर ऐसा लिंक जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और कोई दूसरा पेज ओपन हो जाता है उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक, तो इसका आंसर होगा हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ब्राउज़र इज ए, तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है टू व्यू वेब पेजेस, जिस पर हम वेब पेजेस को व्यू करते हैं ऑन द इंटरनेट इंटरनेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या होता है, एड्रेस है डॉक्यूमेंट का या फिर पेज का वर्ल्ड वाइड वेब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एन एब्सोल्यूट डैश कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए फाइल ऑन द इंटरनेट, तो इसका आंसर है URL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लास्ट 3 लेटर्स ऑफ ए डोमेन नेम डिस्क्राइब द टाइप ऑफ, तो इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, ए होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स, इसका आंसर है IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, 3 टाइप्स ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी आर, तो इसका आंसर है डायलअप, पहला है डायलअप, दूसरा है DSL एंड तीसरा है केबल इंटरनेट एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो इसका आंसर है इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव ए डेजिग्नेटेड डैश फॉर एमरजेंसीज, तो इसका आंसर है असेंबली पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम डैश दैट कुड पुट द लीव्स ऑफ द एम्प्लॉयज इन डेंजर, तो इसका आंसर है हेल्थ हैजर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज डिजाइन टू असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग ए कीबोर्ड और ए माउस, तो इसका आंसर है सीरियल कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP used for helping users with physical disabilities and to reduce repetitive strain is, तो इसका आंसर है sticky keys। Next question is, verification of a login name and password is known as authentication, तो इसका आंसर है authentication। Next question is, the scrambling of code is known as, तो इसका आंसर है encryption। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मालवेयर इज एन
program. Next question. It is a self-replicating program that infects computer and spreads by inserting copies of itself into other executable code or documents. तो इसका आंसर है वायरस. Next question is attempt to gain unauthorized access to a user's system or information by pretending to be the user. तो इसका आंसर है spoofing. Next question is an act of sending emails or creating web pages that are designed to collect an individual's online bank credit card or other login information. तो उसको बोलते हैं phishing. Next question is junk email is also called. तो इसका आंसर है spam. Next question, antivirus software is an example of a security. तो इसका आंसर है a security. Next question, a digital signature is an. तो इसका आंसर है encrypting information. Next question is mechanism to protect network from outside attack is firewall. Next question is computer accessibility or friendliness of computer is known as assistive technology. Next question is in Windows XP we can access accessibility options in DAS. तो इसका आंसर है control panel. Next question, a computer who make a request for services in client server architecture is called. तो इसका आंसर है client. Next question, a DAS network is one which connects computers and devices in a limited geographical area such as home, school, etc. तो इसका आंसर है LAN, LAN, local area network. Next question is DAS convert the analog signal to digital and vice versa. तो इसका आंसर है modem, जिसकी full form होती है modulation, demodulation. Next question is PSTN stands for. तो इसकी full form है public switched telephone network. Next question है WiMAX is a DAS technology. तो इसका आंसर है wireless technology. Next question is DAS system ensures that differently abled are assisted and guided out of the premises in case of emergency. तो इसको कहते हैं बड़ी. Next question is unfortunate incident that occurs unintentionally causing hazards result or injury or unwanted result is called accident. Next question is cookies are DAS that are created on your local computer when you visit website. तो उनको कहते हैं small files.